kusum. Kusum, क्या हुआ? टेंशन में हो कुछ? नहीं नहीं ऐसे ही. छुपाओ मत, मुझे दिख रहा है कि तुम टेंशन में हो. हाँ अरे कुछ बोलो ना, ऐसे ना अकेले अकेले ना परेशान नहीं होने का. वो माधुरी बहन कुछ पैसे चाहिए थे. हो पैसे? उसमें क्या, बोल कितने चाहिए? कुछ 10,000. बाप रे, 10,000 तो मेरे पास नहीं है, पर हाँ मैं काम कर सकती हूँ. वो रोमणिक भाई है ना, वो सूद से पैसे देते, उससे तुम्हें दिला सकती हूँ. नहीं मुझे इंटरेस्ट पे पैसे नहीं चाहिए. एज इट इज नौकरी नहीं है, पता नहीं ब्याज कैसे चुका पाऊंगी. ठीक है मैं और कुछ सोचती हूँ. अरे आ गई. तो क्या हुआ बेटा, मिल गई ना तुझे नौकरी? नहीं आई. कोई बात नहीं, शायद गणपति बापा ने तेरे लिए इससे भी अच्छी नौकरी सोच रखी होगी. हाँ ये सब कुछ गणपति बापा करेंगे तो हम क्या करेंगे? घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, कली की कॉलेज की फीस देनी है, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ. कुसुम तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? देखो बेटा मेरे पास कुछ गहने हैं, उन्हें हम गिरवी रखकर पैसे. कैसी बातें कर रही हो? फीस आज थोड़ी भरनी है कुछ वक्त हमारे पास, तब तक कुछ ना कुछ हो जाएगा. कभी कभी मैं सोचती हूँ कुसुम, मैंने अपनी सारी जिंदगी यूं ही निकाल दी, तुम्हारे लिए कुछ जमा ही नहीं कर पाई. कैसी बात कर रही हो तुम? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ. बड़े लोग क्या करते हैं अपनी जिंदगी में? जमीन खरीदते हैं, बंगला बनाते हैं, कारें खरीदते हैं. ये सब कुछ ये लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे मौके मिलते हैं. हम जैसे लोग इज्जत और ईमानदारी से अपना परिवार चला ले, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ले, यही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. सारी जिंदगी अपनी इज्जत बनाए रखना और इज्जत से जीना, ये कोई छोटी बात नहीं होती. आई हम मिडिल क्लास के लोग भीड़ में जरूर रहते हैं, लेकिन भीड़ से अलग होकर अपनी पहचान बनाने में मजा भी तो आता है ना. जो जन्म से ही पहाड़ों की ऊंचाई पर बैठे होते हैं, वो ऊंचाई तक पहुंचने की मेहनत क्या जाने. आई आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, समझी? ऐसा फिर कभी मत कहना. लेकिन एक बात कहूं? क्या? आई एम प्राउड ऑफ यू. कली ने सिखाया मुझे इंग्लिश बोलना, थोड़ा थोड़ा. अरे कुमुद तुम यहाँ? घर आने वाला है ना, उसी का इंतजार कर रही हूँ. तुम बैठो ना. आने वाला है मतलब तुम उसके साथ नहीं आई हो? उसी ने तो मुझे यहाँ बुलाया है. तुम्हें बुलाया? हाँ उसका मैसेज आया था कि मैं उसे 7 बजे यहीं मिलूं. हो सकता है किसी काम में फंस गए हो. तुम कुछ पियोगी? कोल्ड कॉफी. बेटा कर ने क्षितिज को यहां क्यों बुलाया है? थैंक्स कर मुझे लिफ्ट देने के लिए. इट्स ओके. यहाँ कॉफी बहुत अच्छी मिलती है, एक एक कॉफी हो जाए? कली, I don't think so. I'll go home now. Please, Karf, please, मेरे लिए.
तुम इतना फोर्स कर रही हो तो ओके लेट्स गो। अरे कुमुद और क्षितिज कुमुद यहाँ क्षितिज के साथ अब तो तुम आ सकते हो ना अब तो कुमुद भी है यहाँ आओ कली आई टोल्ड यू आई डोंट हैव कॉफी आई एम गोइंग गर्ल 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 कॉफी नहीं पीनी थी तो क्या हुआ हम उनके साथ बैठ तो सकते थे गर्ल लिसन कली I told you, please don't force me. मुझे किसी के साथ नहीं बैठना. You got that? साथ नहीं बैठना या तुम उन्हें साथ बैठे नहीं दे सकते. What do you mean by this? Come on, girl. कुमुद आज भी क्षितिज से प्यार करती है. और तुम ये देख नहीं पा रहे हो. और तुम भी तो यही चाहते थे ना कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए. और अब जब ऐसा हो रहा है, तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है, girl? मुझे तकलीफ क्यों होगी? इसलिए कि तुमने उसे शादी की भले ही उसे बचाने के लिए उसे सिर्फ नाम का रिश्ता जोड़ा है लेकिन कहीं ना कहीं तुम उसे जुड़ गए हो यही वजह है कि जब कोई दूसरा उसके करीब आता है तो तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हो गर्व बट डोंट फॉरगेट दूसरा कोई दूसरा नहीं कुमुद का पहला प्यार है और पहला प्यार भुलाना बहुत मुश्किल है गर्व बहुत मुश्किल लेकिन हो सकता है कुमुद और क्षितिज के बीच ऐसा कुछ भी ना हो सकता है का मतलब क्या है I trust कुमुद She will never do anything wrong Where am I saying there is something wrong मगर क्षितिज कुमुद का पहला प्यार ही नहीं बल्कि उसके होने वाले बच्चे का इसलिए मैं ये कह रही थी You should be happy for whatever she choose If you feel strongly for her अगर तुम उसे खुश देखना चाहते हो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब पसंद आ रहा है कर एनीवे लेट्स गो इतनी देर हो गई अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था मैं उसे मैसेज करके देखती हूँ कुमार का मैसेज Waiting for me? वो शायद उन्होंने तुम्हें कॉफिन के बाहर देख लिया हो इसलिए इसलिए उसने ये मैसेज कुमुद मुझे नहीं लगता कि गर्व अब आएगा तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं ठीक है एक और इंटरव्यू है कल आई देखते हैं क्या होता है मॉम अरे आ गई तू हाँ मॉम मॉम वो कल कॉलेज की फीस भरनी है याद है ना आपको हाँ याद है कल सुबह चाहिए ना मिल जाएंगे थैंक यू मॉम मॉम मैं कपड़े बदल कर आती हूँ हाँ तू जा मैं खाना लगाती हूँ कुसुम ये सब कैसे होगा मैं काम कर सकती हूँ वो रोमणिक भाई ना वो सूद से पैसे देते उससे तुम्हें दिला सकती हूँ लो जी गिन लो पूरे 10,000 क्या रोमणिक भाई अभी कैसी बातें कर रहे हो आपने गिन लिया ना तो समझो हमने भी गिन लिया और ये पैसे ना आपको टाइम पे मिल जाएंगे आप ऐसा ही समझना कि ये पैसे मैंने लिए हैं नहीं 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 कोई बात नहीं जी ये लो किसी शुक्रिया रमणी भाई गणपति बाबा कुसुम को जल्दी से कोई जॉब दिला दो ताकि हम ये पैसा सूद समेत इज्जत से वापस लौटा सके Oh
तुम आए क्यों नहीं? कहाँ? कहाँ क्या? इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? What's wrong with you? What's wrong with me? हाँ? What's wrong with me? मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ? Girl, I was waiting for you. तुम्हें तो शिद्दत को Listen, please, I don't want to talk about this, okay? Shit. कैसे बात कर रहा हूं मैं कुमुद से? Listen, कुमुद, I'm sorry. ये काम के एग्जर्शन की वजह से I just want to sleep. मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ कर और तुम मुझे मौका ही नहीं देते। कुमुद, मैं तुमसे कैसे कहूँ कि जब मैं तुम्हें शिद्दत के साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं तो तुमसे अकेले में मिलना चाहती थी। तुमने वहां शिद्दत को क्यों बुलाया? अब मैं नहीं चाहती कि मेरे और तुम्हारे बीच में कोई आए। लेकिन मैं तुमसे शिद्दत को कैसे दूर कर सकता हूँ? इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है उसने तुम्हारे लिए। क्या मैं तुमसे कभी नहीं कह पाऊंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं? नहीं कुमुद, हाउ कैन आई लव यू? इट वुड बी रॉन्ग। तुम्हारे भले के लिए मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नहीं कुमुद, ये गलत होगा। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा, ये लो तुम्हारी कॉलेज की फीस के पैसे 3,500 और ये तुम्हारे खर्च के लिए। थैंक यू मॉम। यू आर वेलकम। कली बेटा, पैसे संभाल कर ले जाना। डोंट वरी आई। बाय मॉम। बाय बेटा। बाय आई। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। यस यस ओके, आई विल बी देयर। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ कुसुम, किसका फोन था? आई एक जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, बस अभी जाना है। जाओ बेटा। बाय आई। बाय बेटा। मैंने आपका बैड डेटा देखा एंड आई थिंक यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब। थैंक यू सर। आप कब से ज्वाइन करना चाहेंगी? आप कहे तो आज से। आप कल से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और हाँ, आपने अपनी सैलरी के बारे में तो पूछा ही नहीं, वैसे आप क्या उम्मीद करती हैं? जी सर, आपकी सैलरी होगी 10,000 रुपये महीना। आई होप इट्स फाइन विद यू। एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच। आपका काम हो गया मिस्टर कपूर। थैंक्स मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कुसुम का कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसे ये नौकरी मेरी वजह से मिली। ओके सर। हाँ ठीक है, सुनो आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। ओके या टू टेक केयर गर्ल।
ब्रेकफास्ट रेडी है? कुमुद, मैं जल्दी में हूँ, नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। हाय, हाउ आर यू? अरे ओह कम ऑन, तुम लोग ये फॉर्मेलिटीज नहीं छोड़ोगे ना? यू नो फॉरगेट इट, मुझे तुमसे कहाँ है बताइए। हमारा शिमला वाला होटल है, उसकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, मैं जा नहीं पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अगर तुम फ्री हो या फिर टाइम निकाल सकते हो तो कैन यू गो? डेफिनेटली, कहिए कब जाना है? कल परसों में ही निकलना पड़ेगा। कुमुद की फिक्र मत करो, आई विल हैंडल इट, आई विल टेक केयर ऑफ हर। ओके। जब तक तुम यहाँ नहीं हो ये मेरी जिम्मेदारी है। एनीवे शी इज अ बिग गर्ल, दो चार दिन की बात है। एक मिनट समधन जी। आप क्यों तकलीफ करती है? कुमुद गर्व के साथ चली जाएगी, वैसे भी शादी के बाद दोनों कहीं घूमने तो गए नहीं है, तो ये अच्छा मौका है। गर्व का काम हो जाएगा और इनका घूमना कैसा रहेगा आइडिया? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। पता नहीं मैंने इस बारे में कभी सोचा क्यों नहीं। ऑफ कोर्स। अरे तुम क्या कर रहे हो बेटा, जाओ जाओ पैकिंग करो जल्दी। I'm sorry, मुझे भी चलना होगा। कल मैं चलती हूँ, कुमुद की टिकट मैं करवा दूंगी, डोंट वरी। ओके ठीक है, I'll see you. Bye-bye. अरे मैं संधन जी को मिठाई खिलाना ही भूल गई, अभी आती हूँ बेटा। एक मिनट ईशा, बहुत अच्छी चाल चली थी तुमने कुमुद और गर्व को अलग करने की, लेकिन मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकोगी। ये लो अपना मुंह मीठा करो। वैसे मैं जानती हूं कि किसी भी मिठाई से तुम्हारे मुंह और मन की कड़वाहट दूर नहीं होगी। तो फिर ये भी जान लो कि मेरे होते हुए सिर्फ मिठाई बांटने से तुम्हारी जिंदगी की खुशियां वापस नहीं आ जाएंगी कुसुम। ईशा, बुरा करने वाला सिर्फ बुरा कर सकता है, वो अच्छे को होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि अच्छा करने वाला ना वहां होता है और वो बुरा करने वाले से बहुत बड़ा होता है। देखो ना, तुम्हारे लाख ना चाहने के बावजूद भी मुझे नौकरी मिल गई ना। इस छोटी सी जीत को अपनी जिंदगी की जीत समझने की गलती मत करना, और तुम इस हार जीत से निकल कर जिंदगी को समझो ईशा। जब हम कार में बैठकर तेजी से आगे चले जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हमने दुनिया को पीछे छोड़ दिया, लेकिन ये भ्रम तब टूटता है जब हम कार में से उतरकर देखते हैं कि हम भी उसी जमीन पर खड़े हैं जिस पर ये दुनिया खड़ी है। कमाल है, तुम्हारी लेक्चर झाड़ने की आदत गई नहीं, और तुम्हें फिर से नौकरी क्या मिल गई है, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो, मुझे ही जमीन दिखा रही हो। एक बात याद रख, पैरों तले जमीन खिसकने में देर नहीं लगती। नमस्ते समधन जी।